बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मी और काफी जिस तरह से टिकट को लेकर के बंटवारे में उठापटक मची हुई है, इसको लेकर के सीवान जिले में जो विधानसभा सीटें हैं 8, उसमें जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ और जिस तरह से कई लोगों के टिकट को काट करके और जेडीयू ने नए लोगों को लाया है। जैसे कि आपको बताते चले कि रघुनाथपुर की अगर हम बात कर ले तो रघुनाथपुर में पिछली बार भाजपा वहां से चुनाव लड़ी थी और उस समय मनोज कुमार सिंह चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जेडीयू के खाते में वो सीट चली गई और वहां से राजेश्वर चौहान जो कभी जेडीयू के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे उन्हें रघुनाथपुर से टिकट दिया गया है और वहां से वो अब जेडीयू की सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे। उनके सामने हरिशंकर यादव के आने की चर्चा है, लेकिन अभी तक आरजेडी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। आपको बताते चले कि जिस तरह से रघुनाथपुर से जो नामों की जो चर्चा हो रही थी और उसमें राजेश्वर चौहान का जो नाम था वो एक नंबर पे लगभग 2-3 दिनों से चल रहा था और उसको लेकर के आज पूरी तरह से सभी बातों पर विराम लग गया और जिस तरह से जेडीयू के खाते में वो सीट चली गई और राजेश्वर चौहान का जो नाम आया तो उसके बाद से मनोज कुमार सिंह जो है वो अब चर्चा हो रही है कि मनोज कुमार सिंह संभवतः हो सकते हैं निर्दलीय प्रत्याशी या फिर एलजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अभी यह ऑथेंटिक नहीं है जब तक उनसे बातचीत नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर आपको हम बता दें कि जिस तरीके से कई लोग जेडीयू से वहां से लगे हुए थे, जिसमें नाम था जीशु सिंह जो विकास कुमार उर्फ जीशु सिंह का नाम था, राकेश सिंह पटेल का नाम था, जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव का नाम था, राजेश्वर चौहान का नाम है, तो इस तरह से कई नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन आज जेडीयू ने राजेश्वर चौहान के नाम पर मोहर लगाने का काम किया। दूसरी तरफ हम बात कर ले जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की, तो जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे रमेश सिंह कुशवाहा। कुछ मुकदमे उन पे हैं, जो चर्चाएं चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, और इस बार नीतीश कुमार ने यह ठान लिया था कि कुछ जिन पर जो केसेस हैं वैसे लोगों को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाएंगे और लगभग यह माना जाए कि लगभग लोगों को वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है जो बिल्कुल साफ छवि के हैं। और इसको लेकर के फिर से आपको बताते चले कि रमेश सिंह कुशवाहा है जीरादेई से, उनका टिकट काट दिया गया है और नए प्रत्याशी के तौर पे जो संजय सिंह है बरासो के और उनकी जो पत्नी है जो कि मैरवा की प्रखंड प्रमुख है कमला कुशवाहा, उनको वहां से जेडीयू का उम्मीदवार बनाया गया और उनके सामने अब होंगे महागठबंधन के उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा। अमरजीत कुशवाहा के बारे में आपको बता दें कि वो अभी चिलमरवा कांड में सीवान जेल में बंद है, लेकिन जिस तरह से जो चर्चाएं चल रही थी और रमेश सिंह कुशवाहा को लेकर के जिस तरह से लोगों में एक द्वेष था, लोगों का यह कहना था कि रमेश सिंह कुशवाहा इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे और शायद ऐसा लग रहा है कि इसी को लेकर के जो सर्वे जेडीयू ने कराया होगा उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की सूचनाएं गई होगी, जिसको लेकर के जेडीयू ने वहां पे अपने कैंडिडेट को चेंज कर दिया और वहां से कमला कुशवाहा को मैदान में उतार दिया है। दिलचस्प लड़ाई अब वहां की होने जा रही है यानी कि जीरादेई की, क्योंकि उनके सामने अब होंगे अमरजीत कुशवाहा जो कि सिवान जेल में बंद है। अमरजीत कुशवाहा की भी अच्छी खासी पकड़ रही है, अमरजीत कुशवाहा इसके पहले भी चुनाव लड़ चुके थे, बहुत कम मतों के अंतराल से चुनाव बीजेपी से वो तीसरे नंबर पे गए हुए थे। तो इस तरह से जो कयास लगाई जा रही है कि अब जो कमला कुशवाहा है वो कड़ी टक्कर देंगी अमरजीत कुशवाहा को, देखना यह होगा कि कमला कुशवाहा हालांकि उनके जो पति है संजय सिंह कुशवाहा उनकी राजनीतिक पकड़ अच्छी है, आरजेडी के एक अच्छे नेता के तौर पे कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से जेडीयू में उनकी पत्नी की एंट्री हुई और कमला कुशवाहा को जेडीयू का उम्मीदवार जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से बनाया गया है। तो दोनों जगह की जो लड़ाई है चाहे वो रघुनाथपुर हो या फिर जीरादेई, दोनों जगह से जिस तरह से रघुनाथपुर की सीट को बदल दिया गया, 4 सीट पूरे सिवान जिले में अगर बात करें तो 8 विधानसभा में 4 सीट जेडीयू के खाते में गई और 4 सीट बीजेपी के खाते में, और वही जेडीयू के खाते में जो सीट गई रघुनाथपुर चली गई जिसमें राजेश्वर चौहान को उम्मीदवार बनाया गया और जीरादेई में पुराने कैंडिडेट को चेंज करके यानी कि रमेश सिंह कुशवाहा को बदलकर वहां से कमला कुशवाहा को लाया गया है। तो ये आपको बताते चले कि सिवान जिले से ये बड़ी खबर है
अब आपको बता दें कि टिकट और सिंबल लेने के बाद से जैसे ही ये लोग अपने क्षेत्र में आएंगे तो इनके जो समर्थक हैं इनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी करेंगे। हालांकि हमारी टेलीफोनिक उनसे बातचीत भी हुई है, तमाम लोगों को जिन जिन लोगों को टिकट मिला एटीएल लाइव उनको शुभकामनाएं भी दे दिया है। लेकिन देखना यह होगा कि उनके आने के बाद से जीरादी विधानसभा क्षेत्र की जो लड़ाई है या फिर रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की जो लड़ाई है वो किस करवट लेती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।